तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है, और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कंप्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई, एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है, एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस, और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली डेफिनेटली देखनी चाहिए, एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है।
तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजोन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है,
तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में, तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूजा इंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और G Studios देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ,
मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में, तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-Series, रेमो डिसूजा इंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन
उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूज़ा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूज़ा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे।
म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कंप्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है। तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और Race 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए।
एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है। जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डिसूजा इंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि
काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है। तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में, तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूजा इंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA फिल्म्स और G स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी, डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए।
लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है। तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और Race 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है। जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-Series, रेमो डिसूजा इंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें।
तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कंप्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और Race 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला।
डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डी सूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डी सूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कंप्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में, तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को TV सीरीज रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA फिल्म्स और Zee स्टूडियोज देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं, तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को
इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और Race 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और Zee Studios देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है।
तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है, एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूज़ा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए, एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत सामजी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूज़ा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूज़ा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और Zee Studios देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी, डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है, और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कंप्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई, एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है, एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस, और Race 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं, एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है।
तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी जुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डी सूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डी सूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मर्तबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मर्तबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है।
तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है। तकरीबन तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट किए हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में, तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA फिल्म्स और G-स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी
फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में, तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूजा इंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और Zee Studios देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन
उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मर्तबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे।
म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कंप्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDB रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है। तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली डेफिनेटली देखनी चाहिए।
एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मर्तबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि
काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है। तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूज़ा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूज़ा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूज़ा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और G-स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी, डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए।
लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है। तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और Zee Studios देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी, डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो
तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कंप्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूं बोलूं कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है।
स्टोरी लाइन को रेमोट डी सूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डी सूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कंप्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डी सूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है
एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहां पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग ईजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे,
श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट किए हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहां पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहां पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहां पर डायलॉग्स को संभाला है, स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA Films और Zee Studios देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए, एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी जुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मर्तबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया।
प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज़ देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कंप्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मूवी किस तरह की है, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहां पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है, तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय भी करने वाले हैं। तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा।
बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड बीजीएम को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को टी सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में डबल ए फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख। तो जी डांस लवर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोग डांस के लवर हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को डांस के रिलेटेड मूवीज देखने में बहुत मज़ा आता होगा। एंड आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है कि अपने जब शोबे के रिलेटेड, अपने पैशन के रिलेटेड जब कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमें उस चीज़ में गुफ्तगू करने में भी मज़ा आता है और उसी के साथ साथ हमें उस चीज़ के बारे में देखने में, सुनने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना चाहते हैं जो कि डांस के रिलेटेड हों कम्प्लीट, तो आज आप लोग सही वीडियो पर हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक वीडियो को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को देखनी चाहिए। एक मूवी को रखा है, बल्कि यूँ बोलूँ कि एक मूवी को रखा है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये मूवी किस तरह की है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई गई एंड इसे मूवी को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग इस मूवी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अभी देख सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली हम इसे कहाँ पर एंड किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है, तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी है एंड इसमें आप लोगों को ड्रामा देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है एंड आई थिंक आप लोगों को इसे एक मरतबा डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे। तो एक मूवी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो मूवी फ्लॉप रहती है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर कास्टिंग अच्छी नहीं होगी तो यार कोई क्यों किसी की मूवी को देखने के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसकी कास्टिंग भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर कास्टिंग पर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वरुण धवन देखने को मिलेंगे, श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगे, प्रभु देवा, नूरा फातेही देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो सारी की सारी मूवी को डायरेक्ट भी किया है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी आईएमडीबी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 3.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 70% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी है। उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है,
क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है। तकरीबन 2.5 घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक मूवी के लिए। अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मूवी में जान होती है, तो अगर डायरेक्शन अच्छी ना हो तो मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन को संभाला है रेमो डिसूजा ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। एंड अगर हम इनकी पास्ट मूवीज़ पर नज़र डालें कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, तो जी हाँ, इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, जस्ट लाइक फालतू, अ फ्लाइंग जट, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर 3D, ABCD एनीबॉडी कैन डांस और रेस 3 जैसी मूवीज़ इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवीज़ बनाई गई हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को ये मूवीज़ डेफिनेटली देखनी चाहिए। एंड आप लोग इस तरह की मूवीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय भी करने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह की मूवीज़ को डेफिनेटली देखिएगा। बाकी हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये मूवी जो है वो एक प्योर हिंदी ज़ुबान की बनाई गई है, जिस मूवी को 24 जनवरी 2020 में ही रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में, वहाँ पर लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे। एंड अभी फाइनली ये मूवी अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं स्टोरी लाइन एंड स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के बारे में। तो स्क्रीन प्ले को यहाँ पर तुषार हिरानंदानी ने और जगदीप सिद्धू ने संभाला। डायलॉग्स को बात करें तो फरहत शाम जी और जगदीप सिद्धू ने ही यहाँ पर डायलॉग्स को संभाला है। स्टोरी लाइन को रेमो डिसूजा ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की गई है। प्रोड्यूसर्स की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो भूषण कुमार, दिव्या कौशला कुमार और कृष्ण कुमार आप लोगों को इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाएंगे। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर विजय कुमार अरोड़ा ने संभाला। एंड एडिटिंग की बात करें तो मन्नान अजय सागर आप लोगों को इस मूवी की एडिटिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। म्यूजिक डायरेक्शन में सॉन्ग्स एंड BGM को संभाला है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरेंद्र सेगल और हर्ष ने, इन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग्स वगैरह को अरेंज किया। प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को T-सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स में AA फिल्म्स और जी स्टूडियोज देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली एक मरतबा तो देख